वही ग्वालियर में पीएचई घोटालों के मास्टरमाइंड हीरालाल खुलाके को लगभग 9 महीने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े जाने के बाद हीरालाल खुलाके ने स्वयं को बेगुनाह बताया और दूसरे को इस मामले का जिम्मेदार बताया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। देखिए, ये केस बेसिकली गबन से संबंधित है। पीएचई डिपार्टमेंट्स का जो पैसा था वो अलग अलग अकाउंट्स में उस समय जो अधिकारी वहाँ पदस्थ रहे थे उनके द्वारा अपना DDO की पावर का यूज करते हुए कई फेक अकाउंट्स में और कई एम्प्लॉयज के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें लगभग 18 करोड़ के आसपास जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो शासकीय पैसा था उसके गबन का मामला है। इस मामले में जो आरोपी फरार चल रहा था उसको कल क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी पुलिस रिमांड ली जा रही है। पुलिस रिमांड लेके ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो गबन का पैसा है उसका किस प्रकार से यूज हुआ है।